नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जी क्यासू। इस वक्त छतरपुर से खबर सामने आ रही है, विद्युत विभाग द्वारा साफ चेतावनी दी गई है कि अगर बिल जमा नहीं किया तो खाते भी सीज कर दिए जाएंगे। ये चेतावनी सहायक अभियंता सर्वेश शुक्ला ने पत्रकारों के माध्यम से दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि कोरोना काल के दौरान तो लोगों ने बिल जमा नहीं किए, लेकिन कोरोना काल खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग बिल नहीं चुकाना चाह रहे हैं, इसके चलते विद्युत विभाग के ऊपर एक बड़ा कर्जा हो गया है। इस कर्जे को पूरा करने के लिए लगातार विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी लगभग प्रतिदिन 70 से 80 कनेक्शन काट रहे हैं। अगर इस तरह से ऐसा चलता रहा तो विद्युत विभाग के ऊपर बड़ी समस्या आ जाएगी। तो उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपने बिल जमा करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी जो उपभोक्ता हैं वो मनसा बना लिए हैं बिल न जमा करने के लिए, एवं दिन पे दिन कोरोना काल से लेके अभी तक बिजली विभाग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें उपभोक्ताओं के द्वारा जो बिल राशि इकट्ठी हो रही है उसमें जो भी विद्युत बिजली खरीदते हैं वो भी पैसा अपन दे नहीं पा रहे हैं। तनख्वाह के और गाड़ियों का जो मेंटेनेंस होता है, अभी जो भी केबल और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हो रहा है उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसलिए कंपनी ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई करके जिनके भी ऊपर बकाया बिल हैं उनको वसूल किया जाए, उनको समझाई दी जाए। पहले तो समझाई दी जाए कि बिल जमा करें, अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो उनको कनेक्शन भी छेदन कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी नहीं जमा कर रहे हैं तो जो भी तहसीलदार की शक्तियाँ पदेन अधिकारी को प्राप्त है उसके तहत लोगों की कुर्की की भी कार्रवाई की जा रही है, जिनमें पहले ट्रेस कराया जा रहा है कि उनके पास चल अचल संपत्ति क्या है, किसी के पास बाइक है गाड़ी है तो उसका भी अटैचमेंट किया जा रहा है, उनको भी कुर्की के दौरान उनको भी उठाने की कार्रवाई की जा रही है। एवं अभी नया एक चलाया जा रहा है कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं उनको बैंक में संपर्क करके उनके जो खाते हैं उसको सीज करने की कार्रवाई भी अब चालू कर दी गई है। किसी भी प्रकार से बड़े बकायेदार या बकायेदार उपभोक्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग कितने कनेक्शन काटे गए हैं पर डे? लगभग हमारा टारगेट रहता है 100-125 कनेक्शन काटने का, लेकिन अभी अपन लोग 80-90 तक पहुंच पा रहे हैं, 80-90 कनेक्शन हर रोज काट रहे हैं। कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई? जैसे अभी कार्रवाई हुई है आपकी सागर रोड पे, देरी रोड पे, चेतगिरी कॉलोनी पे, और इधर सटई रोड पे, छत्रशाल नगर पे, और आज जो कार्रवाई चल रही है आज असाठी मोहल्ले पे, बस स्टैंड के कुछ एरिया हैं, और ये खटकाना मोहल्ला, इन 3-4 एरियो में आज कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में क्या क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आने वाले समय में अगर उपभोक्ता बिजली इसके बाद भी बिजली नहीं बिल दे रहा है तो कुर्की की कार्रवाई है, दूसरा उसके संपत्तियों को भी अटैच किया जाएगा, इसकी कार्रवाई चल रही है।